रुझानों को देखकर ये लग रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है भाजपा। जिले में भाजपा के ही ऐसे सिपाही से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जिनके नेतृत्व में विधानसभा की दोनों सीटें भारी बहुमत के साथ भाजपा ने जीती है, और अब क्या स्थिति है उनसे हम समझेंगे और कितनी बड़ी मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी। यहां से जिस तरीके के अभी रुझान आ रहे हैं कुछ गणनाओं के बाद में, उसमें लगातार भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। क्या सोच है, क्या यहां का जनादेश होगा, हम सीधे भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे उमरिया जिले के और भारत देश के हर एक मतदाता बंधुओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मोदी सरकार पर विश्वास जताते हुए एक बार पुनः अपना मत मोदी जी के पक्ष में दिया है। निश्चित ही हमारे देश का विकास हो रहा है, संपूर्ण विश्व में भारत की ख्याति फैल रही है, और जैसा कि मोदी जी का आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय था, साथ ही उनका संकल्प था सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी क्षमता है, वह आज इस चुनाव परिणाम जो आने वाले हैं रुझानों से यह परिलक्षित हो रहा है। हमारे उमरिया जिले में दो विधानसभा हैं, बांधवगढ़ और मानपुर। निश्चित ही हम हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के दम पर, आम नागरिक के मतदाता मालिकों के मतों के दम पर भारतीय जनता पार्टी आज बांधवगढ़ विधानसभा और मानपुर विधानसभा में लगभग 1,00,000 से अधिक की लीड के साथ यहां पर विजय का परचम फहराएगी। और मैं यह कहते हुए कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और उत्साह को देखते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे आप देखेंगे शहडोल संसदीय क्षेत्र में उमरिया जिले के मानपुर और बांधवगढ़ विधानसभा सीट से जो परिणाम आएंगे वो संसदीय क्षेत्र में सबसे अव्वल रहेंगे, जिसको लेकर मैं अपने यहाँ के प्रशासन के मित्रों को, प्रशासन के सिपाहियों को, अपने पत्रकार मित्रों को और आम मतदाताओं को सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। यह जीत जो है यह हिमाद्री सिंह की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, यह आम नागरिक की जीत है, जनता की जीत है, और जनता ने जो विश्वास दिलाया है उनके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सांसद हिमाद्री सिंह जी खड़े उतरेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, सभी का उत्थान करते हुए सभी को साथ में लेकर एक बार पुनः दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम करेंगे। ऐसा क्या है आप देखते हैं इतनी गहराई से लोगों के दिलों में भाजपा उतरी हुई है, विपक्ष लगभग विलुप्त होते जा रहा है, क्या कौन सा ऐसा मंत्र है, क्या आपने ऐसा दिया है लोगों को कि इतने गहराई तक आप छिपे हुए हैं लोगों के दिलों में? देखिए, अच्छाई को और सहयोग को सब याद रखते हैं, जो जिसके सुख दुख में खड़ा रहता है, जो जिसका फोन उठाता है, जो जिससे बातचीत करके परामर्श देके उसकी समस्याओं को निजात दिलाता है, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। हमारे नेता परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी से सभी जुड़ना चाहते हैं। रही बात विपक्षियों की, तो विपक्ष पूरी तरह से नदारद है और विपक्ष के लोग भी हमसे आकर मिलते हैं, दबी जुबान में कहते हैं यार मोदी जी का काम अच्छा है, हम मोदी जी के साथ हैं, झंडा दूसरे का हुआ तो क्या हुआ। इस प्रकार से मैं तो ये भी कहूँगा कि आम जनता के साथ विरोधियों का साथ भी हमें मिला और सारे विरोधी भी मोदी जी की ताकत और क्षमता को देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। और आप लोगों ने देखा इस लोकसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे उमरिया जिले में लगभग सभी सरपंच, जनप्रतिनिधि, जितने पंचायत और नगरीय निकाय के हैं, सब भाजपा के साथ आए, भाजपा का पट्टा पहना और भाजपा की सदस्यता ली। मेरे साथ में जिले में एक और वरिष्ठ नेता है, उनसे मैं समझूंगा कि किस तरीके से वो देखते हैं युवा नेता जिले में। दिलीप पांडे जी जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं और कितना मेहनत, किस तरीके से उनकी मेहनत को देखते हैं वो? आप युवा जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष होंगे यार मेरे भाई, पीछे से मैंने असहज जो कभी कल्पना नहीं थी उस सीमा को पार करके भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अटूट मेहनत की है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से दोनों सीटों से जीते थे, इस बार भी हम कह रहे हैं अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम अपनी शहडोल संसदीय सीट में उमरिया जिला में सर्वाधिक मतों से जीतेंगे, यही हमारा। तो जिलाध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के कामों को देखते हुए सबका साथ सबका विकास, भाजपा बड़ी संख्या वोटों से, बड़ी बढ़त से जीतने जा रही है, ऐसा युवा नेता और एक वरिष्ठ नेता का कहना है। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, APR न्यूज़ उमरिया।